हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग, लेक्चर है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट 402 का। तो हमारा देगा आर्टिस्ट चल रहा है, एडवर्ड देगा। इसका एक पॉइंट हो गया था इंट्रो का। नेक्स्ट है ये कैरियर। अपने कैरियर की शुरुआत में देगा एक इतिहास चित्रकार बनना चाहता था। मतलब जब इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो ये एक इतिहास चित्रकार बनना चाहते थे, मतलब अपना नाम भी कमाना चाहते थे और इतिहास रचना चाहते थे, ये इनकी इच्छा थी। जिसके लिए वह अपने कठोर शैक्षणिक प्रशिक्षण और शास्त्रीय कला की, यानी इन्होंने अपना कठोर शैक्षणिक प्रशिक्षण यानी अपनी शिक्षा भी अच्छे से की, और जो शास्त्रीय कला के करीबी अध्ययन थे उसके द्वारा इन्होंने अच्छी तरह से तैयारी भी की थी, ये तैयार भी थे। मतलब ये एक अच्छी एजुकेशन के लिए और मेहनत करने के लिए और जो इनका शास्त्रीय कला थी उसका अध्ययन करने के लिए भी ये अच्छी तरह से तैयार थे। अपने शुरुआती 30वें दशक में उन्होंने पाठ्यक्रम को बदल दिया, यानी जो इनका शुरुआती दशक था, 30वां दशक था इनका, इन्होंने पाठ्यक्रम को बदल दिया था और फिर समकालीन विषय वस्तु को धारण करने के लिए एक इतिहास चित्रकार के पारंपरिक तरीकों को लाकर वे आधुनिक जीवन के शास्त्रीय चित्रकार बन गए। मतलब जब इन्होंने अपना पाठ्यक्रम बदला तो समकालीन जो विषय वस्तु थी उसको इन्होंने धारण करने के लिए एक इतिहास चित्रकार के जो पारंपरिक तरीके थे यानी जो पुराने तरीके थे वो लाकर वे आधुनिक जीवन के शास्त्रीय चित्रकार बन गए। मतलब आधुनिक जीवन के जो मॉडर्न जीवन है उसमें ये शास्त्रीय चित्रकार बन गए थे। देगा को प्रभाववाद के संस्थापकों में से एक माना जाता है, यानी जो प्रभाववाद है आपका इम्प्रेशनिज्म है उसके जो भी संस्थापक है उनमें से देगा को एक माना जाता है। उन्होंने इस शब्द को खारिज कर दिया, मतलब उन्होंने शब्द को खारिज कर दिया क्योंकि वो जो प्रभाववाद है उसका में नहीं आना चाहते थे। इन्हें मतलब यथार्थ, खुद को यथार्थवादी कहना ज़्यादा पसंद था, तो इन्होंने इसलिए जो लोग कहते थे कि भाई देगा प्रभाववाद के संस्थापकों में एक माना जाता है, उनको इन्होंने इसको वर्ड को खारिज कर दिया और बाहर की तरह पेंट नहीं किया जैसा कि कई प्रभाववादियों ने किया था। मतलब जो प्रभाववादी जो आर्टिस्ट हैं सारे वो बाहर पेंट करते हैं, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, जिसमें ये बताया कि जो कहीं प्रभाववादियों ने किया था यानी इन्होंने नहीं किया, तो इसलिए इन्होंने इस वर्ड को भी खारिज कर दिया था। ये यथार्थवादी कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे खुद को। देगा एक शानदार ड्राफ्टमैन था और विशेष रूप से आंदोलन का चित्रण करने में महारत हासिल थी। जो मतलब देगा थे वो एक शानदार ड्राफ्टमैन थे और विशेष रूप से आंदोलन का चित्रण करने में इनको महारत हासिल भी थी। ठीक है, जैसा कि नृत्यों के उनके गायन और महिलाओं को स्नान करते हुए देखा जा सकता है। मतलब जो नृत्यिकाएँ हैं उनका जो गायन है और जो महिला हैं उनको स्नान करते हुए उनकी उसमें कृतियों में हम देख सकते हैं। नृत्यिकों और स्नान करने वाली महिलाओं के अलावा देगा ने रेस के घोड़ों और रेसिंग जॉकी को चित्रित किया। मतलब जो देगा थे इन्होंने ये ज़्यादातर अपनी पेंटिंग्स में नृत्यिकाएँ बनाते थे, या तो या स्नान करने वाली जो नग्न महिला थी उनको ज़्यादातर उनकी पेंटिंग्स बनाते थे, और जो रेस के घोड़े हैं रेसिंग जॉकी होते हैं जो रेसिंग करने वाले उनको ज़्यादातर इन्होंने चित्रित किया। मतलब इनकी पेंटिंगों में ये ज़्यादा मिलते थे। साथ ही साथ चित्रों को भी चित्रित किया, मतलब साथ ही साथ इन्होंने जो चित्र थे वैसे उनको भी अदर को भी चित्रित किया था। उनके चित्रण उनकी मनोवैज्ञानिक जटिलता और मानव अलगाव के चित्रण के लिए उल्लेखनीय है। ठीक है, इनका जो चित्रण है वो इनकी मनोवैज्ञानिक जटिलता और जो मानव अलगाव है, जो मानव का अलगाव होता है मतलब दूर होना, उसका चित्रण के लिए भी उल्लेखनीय है। ठीक है, उसके साथ साथ मतलब एक तो जो मनोवैज्ञानिक जो जटिलता होती है ना, और जो मानव अलगाव है उसके चित्रण के लिए उल्लेखनीय है। अब नेक्स्ट हेडिंग है अर्ली लाइफ। देगा का जन्म पेरिस फ्रांस में एक मध्यम धनी परिवार में हुआ था।
मतलब इनका जन्म पेरिस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में, और ये मध्यम धनी परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, वह सेलेस्टाइन मूसन डी गैस के 5 बच्चों में सबसे पुराना था। ये इनके नाम है इन फादर का, सेलेस्टाइन मूसन डी गैस। ठीक है, नाम ऐसे ही हैं, ये आपको याद करने होंगे, नाम में कोई चेंज नहीं हो सकता है, थोड़ा टफ नाम है इन सबके प्रभाववादियों के, बट ये आपको लर्न करने हो। तो ये 5 भाई बहन थे, इनमें ये सबसे पुराना था। ठीक है, देगा ने 11 साल की उम्र में अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की, मतलब बहुत कम एज में इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा शुरू कर दी थी। 11 साल तो बहुत कम होती है, तो 11 साल में ही इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा शुरू कर दी थी। जो पहले के लोग थे वो ज़्यादातर बहुत जल्दी जल्दी, मतलब उनकी शिक्षा बहुत जल्दी, एजुकेशन स्टार्ट हो जाती थी। आप लोगों ने अब तक हर उसमें पढ़ा भी होगा, इससे पहले जो हम आर्टिस्ट पढ़ रहे थे 401 कोड में, उसमें उनकी 15 वर्ष की आयु में हो गया था। ठीक है, तो 11 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा शुरू कर दी। लीची लुई ले ग्रैंड में दाखिला लिया, लीसी लुई ले ग्रैंड में इन्होंने दाखिला लिया था। ठीक है, 13 वर्ष की आयु में इनकी माता की मृत्यु हो गई। बहुत कम, जब ये 13 वर्ष के थे, यानी जब 11 वर्ष में तो इन्होंने अपनी एजुकेशन ही शुरू की थी, उसके 2 साल बाद इनकी मदर इनकी एक्सपायर हो गई थी। और जो शेष युवाओं के लिए, उन पर मुख्य प्रभाव उनके पिता और कई अविवाहित चाचा थे। इसका मतलब ये है कि जब इनकी माँ एक्सपायर हो गई थी, तो उनके जो शेष युवा, मतलब इनके जो भाई बहन थे, उन पर मुख्य प्रभाव किसका था, इनके पिता का, और जो इनके अविवाहित चाचा थे उनका, जो मतलब मैरिड नहीं थे। ठीक है, स्नातक होने पर उन्होंने लोअर संग्रहालय में एक कॉपर, यानी कॉपिस्ट होता है यहाँ पे, के रूप में पंजीकरण किया। जब ये स्नातक हो गए, तो इन्होंने लोअर संग्रहालय में एक कॉपिस्ट के रूप में अपना पंजीकरण किया था, मतलब अपना दाखिला लिया था। लेकिन उनके पिता ने उनसे लॉ स्कूल जाने की उम्मीद की, मतलब इनके जो फादर थे वो ये चाहते थे कि ये लॉ एजुकेशन ले, लॉ स्कूल जाएँ, तो उन्होंने वो उम्मीद लगाई थी। पर तेगा ने नवंबर 1853 में पेरिस विश्वविद्यालय के विधि संकाय में विधिवत दाखिला लिया। फिर बाद में इन्होंने 1853 में पेरिस विश्वविद्यालय में विधि संकाय में विधिवत दाखिला लिया था वहाँ पे। लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए बहुत कम प्रयास किए, मतलब अपनी पढ़ाई के लिए इन्होंने ज़्यादा प्रयास नहीं किए थे। दाखिला तो इन्होंने ले लिया था 1853 में पेरिस विश्वविद्यालय में, बट इन्होंने अपनी एजुकेशन में इनका मन नहीं लगा ज़्यादा, इसलिए इन्होंने इसमें ज़्यादा प्रयास भी नहीं किए। 1855 में उनकी मुलाकात जीन अगस्ते डोमिनिक इंग्रे से हुई। ये आर्टिस्ट है आंग्रे, आपने पढ़ा भी था ये पिछले साल, आंग्रे आर्टिस्ट है वहाँ, उनसे इनकी 1855 में इनकी वहाँ पे, ठीक है, मुलाकात हुई। उसी वर्ष अप्रैल में देगा को कोले देस बीक्स आर्ट्स में भर्ती कराया गया था, मतलब उसी वर्ष अप्रैल में ये इनको आर्ट्स के, ये नाम है कोले देस बीक्स आर्ट्स में, वहाँ पे इनको भर्ती कराया गया था। उन्होंने तो कोले देस बीक्स आर्ट्स में भर्ती कराया गया था। उन्होंने लुइस लामोथेत के साथ वहाँ ड्राइंग का अध्ययन किया। ठीक है, जो लुइस लामोथेत, ये नाम है आर्टिस्ट का, उसके साथ उन्होंने वहाँ ड्राइंग का अध्ययन किया था, जिनके मार्गदर्शक में उन्होंने इंगर्स की शैली का अनुसरण किया, यानी इनके मार्गदर्शन से ही, इनके मार्गदर्शन में इन्होंने जो आंग्रे हैं जो आर्टिस्ट हैं ये, उनकी शैली का अनुसरण किया। जुलाई 1856 में देगा ने इटली की यात्रा की, 56 में इन्होंने इटली की यात्रा की थी, ठीक है, जहाँ वह अगले 3 वर्षों तक रहेगा। मतलब जब ये इटली गए थे, तो यहाँ पे ये 3 वर्षों तक रहे थे, इसमें यही बताया है। ठीक है, तो आज आपके इसमें इतना ही है, ये नाम आप याद कर लेना, इनके जो जहाँ पे इनका ये सब एकेडमी है इनकी, और जो फादर का नेम है, और जो ये आर्टिस्ट के नेम है, ये आप नाम याद कर लेना। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए मेंशन किए हैं, जैसे भी आपको
सुटेबल रहेगा, उस तरह से आप ना लर्न कर लेना नेम, ठीक है।